गजर यदि आप भी बचपन में ये वाला फ़ोन यूज़ किए होंगे तो जब भी इसका बैटरी डिस्चार्ज होता था तो हम इसे रख देते थे धूप में चार्ज होने के लिए। तो गजर अब सवाल ये आता है कि क्या ये बैटरी हमारा धूप में चार्ज होगा या और डिस्चार्ज होगा। तो गजर आज हमारे पास कई सारे बैटरी है और इन सबको हम धूप में रखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये बैटरी हमारा चार्ज होगा या और डिस्चार्ज होगा। तो गजर चलिए बिना देर के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो ये चलिए इन सारे बैटरियों को हम वोल्ट इसका चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज है। ऑलराइट, अब उसके बाद हम इसे लीक कर रख लेंगे और फिर धूप में रह कर भी चेक करेंगे कि कितना चार्ज हुआ है या और डिस्चार्ज हुआ। इसका वोल्ट 1.56। ऑलराइट, तो गजर चलिए इन चारों बैटरियों को हम कुछ देर के लिए धूप में रख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो गजर बैटरी को पूरे 5 घंटा हमने धूप में रखा और अब चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारा ये बैटरी चार्ज हुआ है या डिस्चार्ज हो गया है। ऑलराइट, तो गजर सिम वैसे ही हम इस मल्टीमीटर से इसको जांच कर लेते हैं चार्ज है। और चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। और लाइट, और लाइट तो गजर अभी 1.55 दिखा रहा है, हालांकि उस टाइम हमने चेक किया था तो 1.56 दिखा रहा था। तो गजर हालांकि बैटरी तो हमें लेखने से नहीं डिस्चार्ज हुआ है और ना ही ये बैटरी चार्ज हुआ है। और लाइट, हमने एक को चेक कर लिया, अब चलिए दूसरों को चेक कर लेते हैं। अभी देखिए 1.50 दिखा रहा है, हमने पहले भी इसे चेक किया था तो 1.50 दिखा रहा था, अभी उतना ही दिखा रहा है। यानी धूप में रखने से ना ही बैटरी हमारा चार्ज होता है और ना ही डिस्चार्ज होता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। चलिए इन 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 भी सेल वाले बैटरी को भी चेक कर लेते हैं, हमने इसके ऊपर ही ऑलरेडी लिख दिया था। तो गजर अभी 1.59 दिखा रहा है, यानी हमने पहले भी इसे चेक किया था तो 1.59 ही दिखा रहा है। तो गजर इसे साफ साफ लगता है कि हमें बैटरी को धूप में रखने पर ना ही वो बैटरी हमारा चार्ज होता है और ना ही डिस्चार्ज होता है। तो गजर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।